महेंद्र सिंह धोनी से 15 करोड़ की धोखाधड़ी। कंपनी ने धोनी के नाम पर एकेडमी खोली, फीस और प्रॉफिट नहीं दिया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दो पूर्व बिजनेसमैन पार्टनर पर 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने रांची की सिविल कोर्ट में अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड की मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास के खिलाफ केस फाइल किया है। कंपनी और महेंद्र सिंह धोनी के बीच साल 2017 में करार हुआ था। धोनी का आरोप है कि कंपनी ने करार के दौरान किए गए समझौते का पालन नहीं किया, इसकी वजह से उन्हें 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एग्रीमेंट में अर्का स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी फीस का भुगतान और प्रॉफिट शेयर करने की बात, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी ने कंपनी को कई नोटिस भेजे, लेकिन कंपनी ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और न ही लाभ में शेयर दिया। कंपनी से महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2021 को करार खत्म कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट एकेडमी के लिए किए गए करार पर धोखा देने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में रांची के सिविल कोर्ट में केस किया है। सौम्या दास ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को धोखा देने की बात निराधार है। महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे कारोबार चलाने के लिए अधिकृत किया था और इसे रद्द नहीं किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने एक कानूनी नोटिस भेजा है जिसका उचित उत्तर दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी का बकाया दिया गया है। कंपनी पर केस करने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने बातचीत कर हल निकालने की कोशिश की, फिर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद भी जब कंपनी ने कोई फैसला नहीं लिया तो अब फैसला कोर्ट तक पहुंच गया है। मिहिर दिवाकर का जन्म 10 दिसंबर 1982 को बिहार के सिवान में हुआ था। मिहिर पूर्व डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं। उन्होंने 1999 और 2009 के बीच 39 फर्स्ट क्लास और 36 लिस्ट ए मैच खेले। वे साल 2000 में खेले गए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम का हिस्सा थे। मद्रास हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर शुक्रवार को रिटायर IPS अफसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई। हालांकि सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित रखा है जिससे वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकें।